नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो अगर आपके पास भी है कोटक एटीएम, यानी कि कोटक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और आप जो कि है उसका पासवर्ड भूल गए हैं या फिर पिन चेंज करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में दोनों आपको जानकारी मिल जाएगी एक ही वीडियो में। दोनों का ही लगभग सेम प्रोसेस होता है, पिन भूल गए हो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और पिन चेंज करना चाहते हो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये वीडियो है जो कि एंड तक देखना होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, एंड तक देखना है आपको। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो आपको अपना कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं जो भी आप इस्तेमाल करते हो, और यहाँ पे सिंपली है जो कि आपको सर्च करने ला होगा, लिखना है आपको कोटक एटीएम पिन चेंज, ऐसे करके है जो कि आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोटक एटीएम पिन चेंज, आपको भी सेम टू सेम यही लिख के है जो कि सिंपली से है जो कि आपको सर्च कर लेना होगा। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे जो पहला लिंक आया है हमारे पास, यही ऑफिशियल लिंक है कोटक वालों की वेबसाइट का, तो इसी पे है जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया है, अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अपना पिन चेंज करने के लिए, डेबिट कार्ड के लिए भी है, आपका क्रेडिट कार्ड के लिए भी है। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले है तो अपना कार्ड का टाइप सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम जो कि अपने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे पूछ रहा है वीज़ा कार्ड है, रुपए कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपका जो भी कार्ड हो, वीज़ा हो, रुपये हो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपनी कार्ड के कुछ डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आपको अपना कार्ड नंबर डालना होगा जो 16 अंकों का कार्ड नंबर है, आपको मंथ डालनी होगी, और आपको है जो कि एक्सपायरी डालनी होगी यहाँ पर। और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे CVV डालने का ऑप्शन है, CVV डालने के बाद जो कि आपको नीचे अपना है जो कि 6 अंकों का पिन बना लेना होगा, जो भी आप अपना नया पिन बनाना चाहते हैं वही पिन यहाँ पर है जो कि आपको एंटर करना होगा। 6 डिजिट का पिन बनता है अपना कोटक एटीएम का, तो आपको भी ध्यान रखना है 6 डिजिट का कोई भी आपको पासवर्ड बना लेना है, और नीचे भी भर देना है आपको सेम पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो। तो आपको ये पासवर्ड बना के जो कि यहाँ पर फिल कर देना है, और फिर जो कि आपको यहाँ पर नीचे कन्फर्म वाला बटन दिख रहा होगा जो रेड कलर का है, तो आपको कन्फर्म वाले बटन पर दबा देना होगा। कन्फर्म आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना होगा। और उसके बाद जो कि आपके मोबाइल नंबर पे है जो कि एक OTP को सेंड करा जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर अभी एक OTP डालने का भी ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, OTP है जो कि हमारे बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर भेज दिया गया है। तो अब हम अपना OTP देख लेते हैं अपने मोबाइल में से, और OTP को आपको यहाँ पर भर देना है, जो यहाँ पर OTP भरने का ऑप्शन दिया गया है इसमें ही जो कि आपको अपना OTP भर लेना होगा, जो भी आपके फ़ोन में OTP आया होगा OTP आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद सिंपली है जो कि सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा, और ध्यान रखना है OTP डालने के लिए आपको 3 ही अटैम्प्ट मिलेंगे, 3 अटैम्प्ट में आपको सबसे सही OTP डाल देना है, वरना ये साइड से है जो कि आपका ATM को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमने OTP अपना एकदम सही डाला था, तो देखिए यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी डिटेल है जो कि मैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से हाइड कर रखा है, आपके पास यहाँ सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब है जो कि आपका सक्सेसफुली है जो कि ATM का पिन चेंज हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है अपना ATM का पासवर्ड चेंज करने के लिए, या पिन भूल गए हैं जब भी आप यहाँ से चेंज करके अपना नया पिन आपका बन जाएगा। तो आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो या कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।